छात्र संघ अध्यक्ष गौतम कुमार सिंह ने परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार सिंह ने मिलकर ज्ञापन सौंपकर छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान अध्यक्ष ने परीक्षा नियंत्रक को बताया कि अभी पार्ट थर्ड 2018-21 परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें हजारों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है और हजारों छात्र प्रमोटेड हैं, जिसका परीक्षा फॉर्म भरना जरूरी है। इनको परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा था। कोरोना को लेकर छात्र छात्राओं को पढ़ने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, इसलिए सभी छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने के लिए आग्रह किया गया। इस पर परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि पार्ट वन का परीक्षा रिजल्ट आने के बाद एक स्पेशल डेट निकाल कर उन सभी का परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाएगा। इसके लिए संघ ने परीक्षा नियंत्रक को शुक्रिया अदा किया। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष अवनीश राहुल, महेश प्रसाद सिंह, साइंस कॉलेज अध्यक्ष निहाल कुमार, प्रिंस कुमार, हिमांशु कुमार, पारू प्रखंड अध्यक्ष सौरभ कुमार सहित अन्य छात्र मौजूद थे। पार्ट टू में पेंडिंग है, कितना प्रमोटेड है, कोरोना में किस तरह से हुआ है बच्चों की पढ़ाई, वो सभी जानते हैं। इसको लेकर हम लोग परीक्षा नियंत्रण से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं कि जो भी प्रमोटेड है चाहे पेंडिंग है, पेंडिंग को क्लियर कराया, जो प्रमोटेड है उसको भी एग्जाम में बैठने दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ हुआ है तो शिक्षा स्तर डैमेज हुआ है और बच्चों की पढ़ाई डैमेज हुई है, जिसमें प्रमोटेड हो सकते हैं बहुत सारे छात्र, तो उनको भी एग्जाम में बैठने दिया जाए। तो परीक्षा नियंत्रण हम लोग को बताए हैं कि जो पेंडिंग है वो क्लियर कर दिया जाएगा और जो प्रमोटेड है पार्ट वन में उनका रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद तक एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। बिहार शासन अध्यक्ष गौतम सिंह। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।